थोड़े बाल हमेशा ही झड़ते हैं पर जब आपको नॉर्मल से ज़्यादा आपके बाल ब्रश में आने लगें वॉशिंग में दिखने लगें तो फिर इसका मतलब कि आपके बाल झड़ रहे हैं इवन यंग बॉयज़ के यहाँ साइड से बाल पीछे जाने लगते हैं मेल पैटर्न बॉलनेस बोलते हैं या फिर फीमेल्स में सेंटर ऑफ द हेयर में कम होने लग जाते हैं इन केसेस में कई बार बाल ज़्यादा झड़ भी नहीं रहे होते उनको लगता है नहीं बाल तो उतने ही गिरते हैं जितने पहले गिरते थे लेकिन मेरी डेंसिटी कम लग रही है यहाँ से हेयर लाइन रिसीड हो रही है डाइट और स्ट्रेस तो सबसे कॉमन दो प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण बाल ज्यादा गिरते हैं नमस्कार सेहतनामा में आज बात होगी बालों के झड़ने का क्या इलाज है डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर कबीना पुरी हमारे साथ हैं उनसे जानेंगे क्यों बाल झड़ते हैं और उसका इलाज क्या है लेकिन उससे पहले गुजारिश सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा तो बात करते हैं डॉक्टर कबीना पुरी जी से बहुत बहुत स्वागत मैम बहुत सारे सवाल आ रहे थे बालों के झड़ने पर एक वीडियो बनाइए तो आज इस पर बात सबसे पहले तो बाल झड़ते क्यों हैं Uh, देखिए कारण तो बहुत हो सकते हैं बाल झड़ने के uh, अब हमारे पास अगर कोई आता है कि अगर किसी के बाल झड़ना पहले होता क्या है है ना बाल तो थोड़े बहुत सभी के झड़ेंगे क्योंकि हमारे हेयर की एक साइकिल होती है तो कुछ बाल तो सभी के झड़ने हैं बट नॉर्मली इसकी परसेंटेज फाइव टू टेन परसेंट अगर हमारे बाल गिर रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल पर अगर किसी के देखने में उन्हें लगे कि नहीं जब मैं ब्रश करती हूँ या जब मैंने हेड वॉश लिया और आपको ड्रेन में बाल दिख रहे हैं आपको पिल्लों पे बाल दिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि अगर आपके थर्टी परसेंट से भी ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो दैट इज़ कि हाँ अब आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट या आपको एटलीस्ट केयर करने की ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़े बाल हमेशा ही झड़ते हैं बट जब आपको नॉर्मल से ज़्यादा आपके बाल ब्रश में आने लगें वॉशिंग में दिखने लगें तो फिर इसका मतलब कि आपके बाल झड़ रहे हैं अब आपने पूछा कारण क्या होते हैं तो सबसे पहले तो कोई मेडिकल रीज़न हम नहीं सोचते तो सबसे कॉमन चीज़ें क्या होती हैं सबसे पहला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कि आजकल लोगों की डाइट हम लोग कई बार लोग बिजी होते हैं प्लान नहीं कर पाते तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आयरन की डेफिशिएंसी जिंक की डेफिशिएंसी कुछ चीज़ें हेयर के लिए स्पेशल वाइटामस होते हैं इनकी डेफिशिएंसी डाइट ना ठीक होना ये वन ऑफ द मेन कारण है सिंपल हेयर फॉल का जिसमें आपको लगता है कि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं सेकेंडली स्ट्रेस स्ट्रेस से भी ज़्यादा बाल गिरते हैं आपकी स्लीप ठीक नहीं है या ओवरऑल ही आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है इसके बाद आते हैं कि कुछ मेडिकल अंडरलाइन कंडीशंस हो सकती हैं जिससे आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं जैसे कि थायराइड। अगर किसी को कोई थायराइड का इशू है तो भी उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद प्रेगनेंसी के रफली तीन से चार महीने के बाद जब आपके हॉर्मोन्स लेवल थोड़े से चेंज होते हैं उस वक्त बाल ज़्यादा गिरते हैं कोई सर्जरी हुई किसी की सर्जरी के बाद ज़्यादा गिर सकते हैं यहाँ तक कि कई बार ही कुछ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ भी जो आप दूसरी चीज़ों के लिए ले रहे हो उससे भी हेयरफॉल ज़्यादा हो सकता है तो अब फॉल हो रहा है बाल झड़ रहे हैं डाइट का कितना रोल है डाइट तो डाइट और स्ट्रेस तो सबसे कॉमन दो प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण बाल ज़्यादा गिरते हैं जिसमें कि हम बात सिर्फ एक्सेसिव हेयर लॉस की कर रहे हैं अगर किसी को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको हम बोलते हैं या मेल पैटर्न हेयर लॉस वो जेनेटिक होता है जिनमें आप देखते हो कि इवन यंग बॉयज़ के यहाँ साइड से बाल पीछे जाने लगते हैं मेल पैटर्न बॉलनेस बोलते हैं या फिर फीमेल्स uh, में सेंटर ऑफ द हेयर में कम होने लग जाते हैं इन केसेस में कई बार बाल ज़्यादा झड़ भी नहीं रहे होते उनको लगता है नहीं बाल तो उतने ही गिरते हैं जितने पहले गिरते थे लेकिन मेरी डेंसिटी कम लग रही है यहाँ से हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो वो हार्मोनल कैटेगरी ऑफ हेयर फॉल होता है वो एक अलग चीज़ है उसका ट्रीटमेंट एक नॉर्मल एक्सेसिव हेयर फॉल कि डॉक्टर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं उससे वो फ़र्क है और एक कुछ मेडिकल कंडीशंस में होता है कि आपको ना पैचेस बन जाते हैं बीच में गंज के पैचेस जिसको एलोपेशिया एरियटा बोलते हैं तो वो भी एक अलग एंटिटी है सबसे कॉमन होता है कि बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इन केसेस में डाइट और स्ट्रेस जैसा कि आपने कहा डाइट का क्या रोल है तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मेनली प्रॉब्लम ही डाइट की और आजकल के लाइफ के स्ट्रेस की है तो डाइट में कुछ खास चीज़ें ले सकते हैं जिससे हेयर फॉल ना हो सबसे पहला प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन हेयर का बिल्डिंग ब्लॉक है तो अब प्रोटीन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है वेजिटेरियंस को नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन मिल जाता है एग्स में अच्छा प्रोटीन होता है मीट में आ, मिल्क प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन है वेजिटेरियंस में थोड़ा सा इशू प्रोटीन का रहता है और तो आपको अपनी डाइट उस हिसाब से प्लान करने की ज़रूरत है जब हमारे पास कोई हेयर फॉल के साथ आता है और काफ़ी बार हम उन्हें कहते हैं कि आप सुबह से शाम तक अपना रूटीन बताइए तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि उन्होंने रोटी खा ली सब्जी खा ली एक ही टाइम दाल खा रहे हैं और अलग से कोई नट्स नहीं खाए फ्रूट्स में वाइटमिनस होते हैं पर प्रोटीन्स नहीं होते सब्जियाँ बहुत स्पेसिफिक वेजिटेबल्स हैं सब्जियाँ जिनमें प्रोटीन मिलेगा आपको तो इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज अगर हमें हो कि कैसे दालें प्रोटीन तो है पर हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं है जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स हों तो कैसे हमें अपनी तीनों मील्स में एवरी मील वी शुड ट्राई एंड इंक्लूड प्रोटीन तो दैट इज़ एन ईजिया वे मतलब लोगों का मैं देखती हूँ तो पूरी हम कैलकुलेट करते हैं वेट के हिसाब से कि अगर पॉइंट एट टू वन मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट हमें प्रोटीन दिन का चाहिए तो लोगों का कई बार आधा भी पूरा नहीं हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने सुबह रोटी खा ली सब्जी के साथ ब्रेड चाय ले ली, ली शाम को भी आजकल लोग उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा खा भी नहीं सकते वेट के भी ईश्यूज सबको रहते हैं तो इन चीज़ों में काफ़ी बार प्रोटीन कॉम्प्रोमाइज काफ़ी ज्यादा हो जाता है एंड दैट इज वन ऑफ द मेन दीजन अगर क्विकली हम आ, कैसे हम अपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में प्रोटीन शामिल कर सकते हैं जो वेजिटेरियन है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन को तो मिल जाता है देखिए वेजिटेरियन में आप सिर्फ पराठा खाने के बदले पहले तो आप अपना आटा ही बदल सकते हैं आप नॉर्मल आटे के बदले मल्टीग्रेन ले लीजिए प्रेफरेबली उसमें रागी अमरंथ ये मिक्स कर दीजिए लोग तो सीड्स भी आटे में मिक्स करके डाल देते हैं जैसे चिया सीड्स में प्रोटीन होता है और आप बेसन डाल सकते हैं आप बेसन का चीला खाइए या जो आप रोटी या परौंठी अगर आप कुछ खा रहे हो उसके साथ आप पनीर ले लीजिए तोफू सोया सोया इज़ गुड क्वालिटी प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस आप अपने घर में काले चने या राजमा जो आप बनाते हो उसको किसी और फॉर्म में आप चाट के फॉर्म में राजमा ले लीजिए छोले ले लीजिए चिकपीज का सफ़ेद छोले भी बहुत हाई होते हैं एक कप छोलों का प्रोटीन काफ़ी होता है सो so, काले चने वाइट छोले राजमा स्प्राउट्स आप करके रखिए स्प्राउट्स करने से उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोटीन की बादाम ज़रूर खाइए है।, है ना? और तीनों मील्स में ब्रेकफास्ट में तो आप इस तरह से कीजिए कि सिर्फ पराठा ना करें आपने ब्रेड खानी है मल्टीग्रेन खा लीजिए उसमें पनीर डाल लीजिए वेजिटेबल्स में तीन चार वेजिटेबल्स हाई क्वालिटी प्रोटीन देती हैं जिसमें कि आपको स्पिनच पालक में बहुत है ब्रोकली में बहुत है पर ब्रोकली सब लोग ऐसे खाते नहीं तो वो सैलड के फॉर्म में आप बना सकते हो ब्रोकली का सूप बना सकते हो आ, बीन्स में बीन्स में काफ़ी है प्रोटीन और वेजिटेबल्स में यही तीन चार हैं जिनमें आपको हाई प्रोटीन मिलेगा और आप अपने जो बना भी रहे हो ना वेजिटेबल्स इन सबको आप अगर सैलड के वे में बनाएंगे तो आप उसको थोड़ा सा उसमें और कुछ चीज़ें कई बार आपने कोई सॉसेस ऐसी डाल दी जिनमें प्रोटीन होता है है ना थोड़ा सा पीनट बटर डाल दिया स्मूदीज स्मूदीज इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग थिंग्स टुगेदर एक तो प्रोटीन आ गया आपका दही योगर्ट में अगर आपने बनाई या आपने आमंड मिल्क में बनाया उसमें आपने चिया सीड्स डाल दिए उसी में आपने कोई फ्रूट भी डाल दिया और आपने थोड़ी सी पालक भी डाल दी तो कई लोग उसमें अपना अगर कई लोग लेते हैं प्रोटीन पाउडर जिनका नहीं हो पाता वो भी डाल देते हैं प्रोटीन में दैट्स अ सेपरेट दिस थिंग वी कैन डिस्कस लेटर बट ये सारी चीज़ों से हम अपनी तीनों मील्स में प्रोटीन एड कर सकते हैं ठीक है और अब कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है डर्माटोलॉजिस्ट के पास स्किन स्पेशलिस्ट के पास इसका क्या इलाज होता है और कब जाना चाहिए देखिए जब भी आपको अगर इतने बाल गिर रहे हैं कि आपको अलार्मिंग लग रहा है और आपको टेंशन हो रही है या फिर आपको एक्चुअली स्कैल्प में अपनी डेंसिटी कम लगने लग जाती है जो रोज़ अपने बाल कोम्ब कर रहे हैं उन्हें पता चल जाता है सो so, जितनी जल्दी आप जाएं बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पर आपको बेटर बेनिफिट मिलता है अगर ज्यादा लॉस हो चुका है तो उसको वापस रीग्रो करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट टेंशन की कोई बात नहीं है बिकॉज ये वाला हेयर लॉस जो एक्सेसिव शेडिंग होती है दिस इज रिवर्सेबल हो जाता है हाँ। आपके पास इलाज है ये वाला रिवर्सेबल है अगर जेनेटिक है जैसे मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज हैं पर ट्रीटमेंट्स उनके भी लिए तो ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो अगर सिर्फ हेयर फॉल का ही इशू है जो ज़्यादातर लोगों का होता है तो उसमें तो सबसे पहले हम थोड़े से कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ओरल सप्लीमेंटेशन वाइटमिन्स का कभी प्रोटीन्स कोलाजन ऐसा करते हैं ताकि एंड ग्रेजुअली उनको ही सिखाते हैं कि आप कैसे अपनी डाइट और बेटर कर सकते हैं बट शॉर्ट टाइम के लिए उस वक़्त सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं किसी का बी ट्वेल्व अगर कम है आयरन अगर कम है तो आयरन रिच फूड्स भी बताते हैं कि आप क्या ऐड कर सकते हो लेकिन ऐट द सेम टाइम कई बारी हम टेस्ट करा के देखते हैं तो वो ऐड करते हैं तो पहले तो ये हो गया उसके बाद आजकल कुछ सिरम्स वगैरह आते हैं कुछ लोशंस आते हैं जो आप स्कैल्प पे लगा सकते हो आपके डॉक्टर बता सकते हैं रिडेंसिल कैपेक्सिल उनमें कुछ प्रोटीन्स ग्रोथ फैक्टर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हेयर रूट पे ब्लड फ्लो ज़्यादा डाल के आपके हेयर फॉलिकल्स को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। जाने से पहले कुछ टिप्स जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए आ, जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं एक तो जब आपके जिन दिनों बाल झड़ रहे हैं उन दिनों प्रेफरेबली आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करना अवॉइड करें बहुत ज़्यादा हीट ना दें क्योंकि अगर आपके बाल पहले से ही वीक हैं और आप उनकी हेयर की जो लेंथ है उस पर भी आप हीट से फ्रिज से यहाँ से भी अगर ब्रेकेज शुरू हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली हेयर लॉस ज़्यादा लगेगा तो बेसिक टिप तो यही है कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन लें प्रॉपर अपना सोएं और आ, कुछ हेयर फॉल के शैम्पूज़ भी आते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पूस वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं और जो नॉर्मल शैम्पू हैं वो भी यूज़ उस, उससे कुछ डैमेज होता है नहीं होता? अगर अच्छे शैम्पूज़ हैं पीएच बैलेंस शैम्पूज़ हैं सल्फेट फ्री शैम्पूज़ देखिए तो ये शापूस भी ठीक है